यू हैव टू एक्सपीरियंस इट आज के टाइप में पेरेंट्स के पास अपने चिल्ड्रंस जिर्ण, के लिए ही टाइम नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट की महत्व नहीं जानते हर एक किसी के पास आज के दिन समय नहीं है क्यों नहीं। केवल क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की महत्व को नहीं जानते हम क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है आज फिर हम वापिस आए हैं जो पिछले हफ्ते हमने अपना विषय छोड़ा था बीच में टाइम मैनेजमेंट मिस जैन ने हमको बताया कि उनको उनको ऐसा तजुर्बा हुआ क्लास में भी कि जब वो किसी सब्जेक्ट को सिखा रही होती हैं तो उनके स्टूडेंट्स अगली क्लास की या चिंता करते हैं या पिछली क्लास के बारे में ठीक नहीं कर पाए उसके ऊपर रिग्रेट करते हैं तो बताइए आपका किसी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपका मन कहीं ना कहीं फ्यूचर या पास्ट में जाता yes, और उसका रिजल्ट क्या होता है वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आवर लाइफ वी आर नॉट एबल टू एंजॉय अवर एग्जिस्टेंस वी आर नॉट हैप्पी ऑल द टाइम वी आर अनहैप्पी ऑल द टाइम वी आर वरीड अबाउट समथिंग और अदर इवन यहां तक कि ऐसे भी चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं जो कि हमारे साथ नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं उसको भी हम इमेजिन करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा इस बार तो मैं फेल हो ही जाऊंगी और फेल हो गई तो इस बार तो पापा मेरे बहुत मारेंगे मेरी तो वाट लग गई क्या करूंगी बॉयफ्रेंड से भी फिर आगे नहीं मिल पाऊंगी लाइफ में बड़ा उसका सोचते सोचते कहाँ के कहाँ दिमाग पहुंच जाता है और उसके लिए फिर सबसे लड़ना घर गए तो मां से लड़ना कॉलेज में आए तो प्रोफेसर से लड़ना सब कुछ शुरू हो जाता है आप खुद टेंशन में हैं ही है बाकी सबको भी टेंस कर देते हैं इसलिए टाइम मैनेजमेंट की तीन चीजें जब आप सोचते हैं कि जो मेरे साथ पीछे मैं करता रहा हूं या करती रही हूं अब तक वैसा ही चलता रहे यार मैं खुश हूं जैसे थी जैसा हूं जहां आप ये सोचने लगेंगे वहां पे ना तो आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे आप स्टेग्नेट हो जाएंगे और किस समय के बाद आपके आसपास का वातावरण भी ऐसा हो जाएगा कि कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा आप अकेले पड़ते चले जाएंगे दूसरा मन में क्या विचार आता है कि चलिए कुछ ना कुछ नया करें यार मेरे पास बहुत चिट्ठियां आती हैं एक्चुअली इस शो की वजह से बहुत से लोग लिखते हैं कि जी मैं कुछ करना चाहता हूं मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं मैं क्या करूं बताइए अब मुझे भी एक बड़ी समस्या होती है उनको जवाब देने में मैं क्या बताऊं उनको मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता सिवाय इसके आई विश यू गुड लक भाई आप कुछ मुझे बताओ कि जी मैं मेरी ये पसंद है इस चीज को मैं पसंद करना चाहता हूँ इस प्रकार की चीज करने में मुझे मजा आता है बचपन में मैं ऐसा करता रहा हूं या करती रही हूं तो मैं कुछ फिर भी अंदाजा लगाऊँ कि आपका टैलेंट क्या है उसके मुताबिक आपको जवाब भी दूँ तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो पास्ट में और उनके लिए आज का फ्यूचर भी प्रेजेंट भी जो है वो ठहर जाता है वो कहीं ना आगे बढ़ता ना पीछे जाता लेकिन समय जो मैनेजमेंट करना जानता है वो कहता है कि मेरे लिए समस्याएं आए मैं उसका हल करूं प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को बनाऊं यही बात समझ में आई कुछ इसके साथ प्रश्न उठता है साथ में जीवन जीने की कला क्या ये प्रश्न और बहुत से लोगों ने यह कहा कि जीवन जीने की कला उसी को आती है जो इस प्रेजेंट में रहे इस मूमेंट में रहे क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि आज तक जो हम हैं इस समय तक वो हमारे प्रीवियस एक्शंस की वजह से आज जो हम हैं, हैं। और आज के बाद जो हमारा भविष्य बनेगा जो अब से हम कर रहे हैं या करेंगे आगे उससे हमारा भविष्य बनेगा अब इसको मैं एक बड़े आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है तो गर्लफ्रेंड अक्सर पूछती है हाउ मच डू यू लव मी डार्लिंग वो आदमी को पता नहीं होता क्या जवाब दे तो एक आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब ढूंढा उसका उन्होंने कहा डार्लिंग वेन एवर आई एम विद यू आई एम विद यू हंड्रेड परसेंट वेन आई एम विद यू आई एम विद यू हंड्रेड परसेंट डोंट आस्क मी वेन आई एम नॉट विद यू वेर आई एम सो इफ यू आर विद हंड्रेड परसेंट इन वॉट यू आर डूइंग एंड यू ट्रीट योर वर्क एज योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड आई एम श्योर योर एक्शन विल बी परफेक्ट एंड वेरी गुड

टाइम मैनेजमेंट केवल एक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है हम तो कहते हैं भैया टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर दम है तो आसपास के लोगों को भी सिखाइए और भी बताइए ये समस्या आपके साथ नहीं और दूसरे रूप में हम लोगों के साथ भी होती हैं बैठी बैठी समस्या क्या होती है कि हम बैठे हैं दोस्त ने फोन किया सुभाष जी मिलने के लिए आना चाहता हूँ अब एक बार फोन करे दो बार फ़ोन करें हम पूछते हैं उससे भाई कुछ काम कुछ खास आ, अगर कुछ काम ऐसा हो तो मुझे बता दो ताकि मैं उसका तैयार कर लूँ या मेरे ऑफिस से दूसरे किसी को बोला नहीं 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 मिलने के लिए आना चाहता हूँ चलिए आ गए आके बैठते हैं चाय भी पी लिया इधर उधर की गपशप की पूरे देश की समस्याओं का हल निकाला डिस्कशन किया मिसमैनेजमेंट ऑफ द टाइम उसका खुद का भी टाइम बर्बाद किया मेरा भी किया एक घंटे बाद समझ में आया कि क्या किया हमने जस्ट वी सॉल्व द होल कंट्रीज प्रॉब्लम बट नोबडीज प्रॉब्लम तो ये समस्या जो आप कहते हो ये तो आएगी सर ये जब तक इस देश में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे दूसरा एक तरीका और है कि आप स्टूडेंट हैं आप तो 10-20 जने जाके खड़े हो जाइए उस आदमी को कहिए भैया ये तो काम मत करो आगे से मत करो उसको भी सबक सिखा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट का सर फिर हमारा फायदा क्या होगा हम यहाँ पे डिस्कस मतलब फिर फिर जब हमें पता है है कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम और रहेगी तो फिर हमारा नहीं, उसका का... हल करिए ना मैं ये कहता हूं मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट खुद का करना जानते हैं तो आप बदल सकते हैं उस सिचुएशन को भी बदल सकते हैं ये नहीं कि नहीं बदल सकते आप क्योंकि तो उस टाइम उसकी स्थिति में बैठ के अगर आप 10-20 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें कुछ करें उसके बारे में टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पास उस समस्या को हल करने का समय भी निकलेगा उसको हल कैसे करना उसके कई तरीके हैं एक तो यह है कि आप फोर्सफुली करें रामोहर लोहिया की तरह से करें दूसरा यह है कि गांधी जी की तरह से करें किस तरह से करें यह आप पर निर्भर करता है लेकिन उस स्थिति को बदल सकते हैं यह मेरा कहने का था यह नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप स्वीकार कर लीजिए और देर इज नो पॉइंट ऑन देर अगर वो सोच के अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं इसीलिए आपको उम्मीद है ना कि भाई मैं पढ़ू लिखूंगा तो कुछ ना कुछ आगे करूंगा आगे जिंदगी में बढ़ूंगा मुझे सर्विस मिलेगी अपना बिजनेस करूंगा उस उम्मीद में आप करते हैं अगर आप ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि साहब ये तो कुछ होने वाला ही नहीं इस देश में फिर तो कुछ भी नहीं है भैया नेगेटिविटी तो विल नॉट टेक यू एनी वेयर अस टेक उस एटीट्यूड को फिर हमें बदलना पड़ेगा हर समस्या का हल अल्टीमेटली हमारे अंदर है बाहर नहीं है हम बाहर ढूंढते रहते हैं लेकिन अंदर है हल समस्या का ये बात समझ में आने में समय लगेगा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोग को आदत है वी ऑलवेज वर्क ऑन इलेवेंथर kuch ho we have some kind of inertia, rigidity among us. so chaptakhi bahar se backward, external force either from our parents, either from our teachers, we are tend to be like easy going, we'll do it tomorrow, we'll do it tomorrow. but for what reasons? like we, sometimes in my case, i make some charts, like this is my timetable today, i have to do this work, this work. but during the examination, my time efficiency is like to the paramount, it is almost to the highest level. so would you suggest, like, is it basically it happens to everybody and why actually it happens? It happens to 90% of the people. We all, we do not respect, we do not understand as I said in the past and uh, to some students to the earlier question, I would say seriously, if you read the biography of Mahatma Gandhi, he has written in, in his autobiography one example. जहाँ पे उनको एक सभा में चार बजे जाना था और किसी ने कहा कि बापू मैं तुम्हें पौने चार बजे यहाँ से आके अपनी मोटर गाड़ी में ले जाऊँगा जब पौने चार बजे मोटर गाड़ी नहीं आई लेट हो गए वो तो उनको बड़ी परेशानी हुई पर फिर जब वो सेठ जी आए दस मिनट लेट देखा कि बापू तो नहीं है बड़ा घबराया बेचारा और वो भाग के जहाँ पे इवेंट होना था वहाँ पहुंचे तो बापू को देखा वो तो भाषण दे रहे हैं वहाँ तो उसने पूछा भाई बापू ये बाद में भाषण होने के बाद भी क्या हुआ कैसे हुआ उसने कहा भाई तुम तो लेट हो गए थे मुझे चिंता हुई मुझे समय पे पहुंचना था तो मैंने वहाँ पे साइकिल उठाई और साइकिल बड़ी तेजी से चलाते हुए मैं यहाँ पहुँच गया चार बजे तो आपके यंग आदमी का भी प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ कि जो ये आप कहते हैं कि साहब ट्रैफिक बंद जाम फलाना कोई नोट नो एंट्री हो गई मुख्यमंत्री जा रहा था उसकी वजह से रोड बंद हो गया प्रधानमंत्री वहाँ से गुज़र रहे थे इसलिए आ, वो हो गया इसलिए लेट हो गए ये सब हम बहाना जानते हैं हम बहाना ढूंढते हैं तो इसी प्रकार से आपने जैसे कहा आपने जो कहा कि समय का कंस्टेंट आपको कर सकता है वो इसीलिए कर, करता है जो मैंने आपको जवाब दिया उसी प्रकार से आप भी इसको कोशिश कीजिए एक बार फिर कि रात को आप अगले दिन का प्लान कीजिए इम्पोर्टेंट अन-इम्पोर्टेंट दोनों को लिखिए अन-इम्पोर्टेंट चीज़ों को डक मत करिए क्योंकि वो आएंगी ही आएंगी बाधाएं आएंगी ही आएंगी कभी भी अच्छा काम आप कोई भी करने गुजरता है उसके अंदर ऑब्स्टिकल आते ही हैं क्योंकि ये एक ये भी एक कुदरत का कानून है तो अनइम्पॉर्टेंट चीजों को आप इग्नोर मत करिए उनको भी लिखिए उनको भी आपके पास समय मिलेगा क्योंकि वो करनी ही पड़ेंगी आपको जाम में फंसना भी पड़ेगा क्योंकि यदि हम एक वन पॉइंट सवा सौ करोड़ लोगों के देश में रह रहे हैं जहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में है और है जब तक आप बड़े हो के आप आगे नहीं बढ़ के और उन चीज़ों को हल नहीं करोगे ये समस्याएं आगे रहने वाली हैं अगली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे हम आज हम ये शो क्यों कर रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूँ अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के सामने ताकि मेरे को क्रिटिसाइज भी लोग कर सकें कुछ कर सकें लेकिन इसी इच्छा से कर रहा हूँ कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ लाभ मिले थैंक यू सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर कोई भी काम प्री है सब कुछ टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं बट उसके बावजूद भी कोई काम आ जाता है बीच में तो हमारा जो हमने टाइम मैनेज किया किसी और काम के लिए सर वो तो वो खराब हो गया ना तो उससे कैसे डील करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी अचानक बिजली चली गई दस मिनट बिजली नहीं आई हम दस मिनट लेट हो गए लेकिन उसको दो कई रास्ते हैं उसके या तो मैं अपनी बात जिसको कहने के लिए मैं 25 मिनट लेने वाला था मैं 15 मिनट में खत्म करूं क्वेश्चंस कम पूछूं कुछ ना कुछ करूं या मेरी अगली जो अपॉइंटमेंट है उसको मैं बोलूं भैया मैं 10 मिनट लेट होऊंगा तो उसका हल निकलता है एक्सर्जेंसीज हमेशा लाइफ में आती हैं एंड टाइम मैनेजमेंट टीचेज यू सो मैनी अदर थिंग्स बींग ऑनेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज ट्रेड्स I have seen and experienced many people in life, those who are managing their time well, they are by nature honest people. And I know one of such persons, Sri Ram Prashad Poddar. He was the CEO, managing director of Century Mills, owned by Bidlas in Mumbai. And I have come in contact with that man. ओल्ड मैन वेन ही वॉज इवन एटी ईयर्स ओल्ड मैंने कभी उसको मैंने क्या किसी ने भी किसी फंक्शन के लिए बुला लिया शादी के समय में बुला लिया आठ बजे शादी का समय वो आठ बजने में एक मिनट पे वहां पहुंच जाएंगे जबकि होस्ट अभी तक दरी बिछा रहे होते हैं इन हीज लीडरशिप ही वॉज सच एनेस्ट मैन दैट सेंचुरी मिल वॉज कंट्रीज टॉप मोस्ट टेक्सटाइल यूनिट इन दैट टाइम हिज प्रोडक्ट वॉज सुपर

उन्होंने रामेश्वरम में एक पुल राम सेतु जिसको बोलते थे उन्नीस में ध्वस्त हो गया था उसको रेलवे वालों ने कहा कि एक साल लगेगा हमको इसको रिपेयर करने में इस आदमी ने टाइम मैनेजमेंट की वजह से डेडिकेशन की वजह से अपने श्रम से 46 दिन में उस पुल को ठीक कर दिया पूरा देश उसको कदर करता दैट इज वट आई मैंट बाय वैन यू वैन आई सेड दैट यू कुड बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बींग by doing the time management there are so many examples of that so living in present is very very important friends you have to learn how to live in present and how to respect the time my question to you sir is that you're a man of great experience and we have come to the conclusion that we cannot compromise on creativity and time management so how do you suggest from your past experiences that one Manages time without compromising on creativity. When you are time managing well, your creativity will soar. There That's is no question about it. You have to experience it. I mean, the creativity is your talent, which is inside you. Creativity doesn't come to you with an experience, books, knowledge, or with the experience or knowledge either of them doesn't teach you creativity creativity is kind of part of your talent and uh, i have posted on my site dsc website you can you can take out the type of talents what we have i have identified and put there the talents and you will find the creativity is part of that if you know that this is the time you have to do your creative work, I'm sure you will be able to manage it. आपने yes. कहा था कि अगर हम time management करते हुए चलेंगे तो हमें अपने काम में कभी stress नहीं होगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है सर? क्योंकि सर अगर मान कर लो करके देखिए सर मैं <laughs> एक situation बता दूँ। <laughs> अगर मान लो मैं आ, मैं एक reporter हूँ मेरे को ए, ए, दो stories दी दी गई है कि जो एक ही time पे मुझे करनी है। तो उस चीज को मैं कैसे manage कर सकता हूँ और उसका मेरे को stress हमेशा रहेगा। चाहे मैं एक स्टोरी कवर कर रहा हूँ कि मेरे को दूसरी भी करनी थी वो कैसे करूंगा इस हिसाब से तो कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए हमें स्ट्रेस तो होगा ही नहीं कोई जरूरी नहीं है यदि आप ऑनेस्ट हैं जो कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप ऑनेस्ट होंगे आप जरूर अपने एडिटर को जाके कहेंगे कि देखिए जितना समय मेरे पास है उसमें मैं दो स्टोरी के ऊपर नहीं काम कर सकता मैं एक पे ही कर सकता हूँ यू गिव वन बैक

लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने वर्क को उतनी एफिशिएंटली और कर पाए मोस्ट पी मोस्ट ऑफ द पीपल आर आल्सो देयर जो इतना टाइम मैनेज नहीं करते लेकिन वो अपना वर्क बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं यस वेरी गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव सेड दैट एवरीबडी डज देयर बेस्ट इन टाइम मैनेजमेंट लेकिन ये हमारी एक थोड़ी सी कमी है कि हम शायद हमारा ये कल्चर ही है कुछ या हमारी अप्रिगिंग है या मैं ये कहूँगा कि हम इतनी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पैदा हुए बड़े पले आगे बढ़े कि हमारी जो रिस्क लेने की क्षमता ख़त्म हो जाती है जब बच्चा गुड़ालियाँ चलने लगता है घुटने पर तो क्योंकि प्रोटेक्टिव है ना माँ वो दौड़ के आती है कि बेटा अरे खिड़की के पास चले जाना गिर जाओगे आग के पास मत चले जाना जल जाओगे तो जब तक बच्चा दस बारह साल का होता है तब तक उसकी रिस्क लेने की सारी क्षमताएं हम खत्म कर देते हैं उसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सब अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं लेकिन फिर भी कई लोग नहीं कर पाते या डिस्पाइट टाइम मैनेजमेंट वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हम या तो लास्ट माइल तक नहीं जाते हैं पूरा अपना नहीं देते हैं वी वी डोंट गिव अवर बेस्ट टू दैट थिंग और बहुत सी मेरे तजुर्बे में ऐसा मुझे देखने में आया कि जब हम कोई काम कर रहे हैं चाहे भले टाइम पे कर रहे हैं लेकिन जो हमारा मन है ना दिमाग जो हमारा मन बड़ा चंचल है ये कभी तो पास में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है सर मेरा क्वेश्चन ये है आपने कहा था टाइम जिंदगी है पर पेरेंट्स के लिए लाइफ जो है चिल्ड्रन होते हैं बट आज के डेट में पेरेंट्स के पास अपने चिल्ड्रंस के लिए ही टाइम नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट की महत्व नहीं जानते सर बट ये टाइम इसीलिए जो उन्होंने साहब ने पूछा पीछे कि क्यों हम स्ट्रेस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे अगर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के लिए समय नहीं है बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए नहीं है हर एक किसी के पास आज के दिन समय नहीं है क्यों केवल क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की महत्व को नहीं जानते हम क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है इसलिए बैठिए मैं जवाब देता हूं इसलिए उसने ऑथर ने क्या लिखा कि समय जो है समय न तो अच्छा होता है ना बुरा यह किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करता सभी मित्र हैं और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर का प्रयोग कैसे और किस रूप में करें हम पर निर्भर करता है कि हम उसको दोस्त बनाएं या उसको दुश्मन बनाएं। अब सम, उसके उसने तो बार बार हाथ बढ़ाया कई बार हाथ बढ़ाता है समय वो कहता है याद दिलाता है हमको बहुत बार ऐसा हम सबके साथ होता होगा कि यार मुझे लगता है मैं कुछ ठीक नहीं कर रही हूं ना मैंने तीन दिन से पापा से बात नहीं की किसी बात से उन्होंने गुस्सा किया था लेकिन मैंने भी उनको उल्टा जवाब दे दिया था पर मन में कभी कभी आता है यार मैंने गलत किया समय कहता है आपको लेकिन फिर भी हम उसका हाथ धुतकार देते हैं अलग कर देते हैं उसकी बात नहीं सुनते हैं अपने मन की बात नहीं सुनते हैं तो समय की आवाज नहीं सुनी मतलब आपने समय को मैनेज नहीं किया इसलिए ये जो स्ट्रेस हम कर रहे हैं समय मैनेजमेंट के ऊपर मुझे तो इससे बहुत सीखने को मिला पिछले दो दिन में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दो दिन में बहुत सीखने को मिला और आप सबसे भी अर्ज करूंगा कि इसके ऊपर सोचिए विचार करिए कि समय को अगर मैनेज करेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं जो होने वाली थी या हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे आप देखेंगे कि आपके भी समस्या नहीं रही पेरेंट्स के साथ बैठिए आप कोशिश करिए ना चलो किसी वजह से उन उनके पास समय नहीं है या वो मैनेज नहीं कर रहे हैं समय लेकिन आप तो उनके अपने हो आप उनको बताइए कि पापा समय का टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी जरूरत है आप भी शायद क्योंकि वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया हो कहीं ना कहीं आप अपना समय निकालिए एक दिन दो दिन पांच दिन दस दिन कहाँ तक आपके पेरेंट्स इग्नोर करेंगे आपको नहीं कर सकते तो ये इस प्रकार की बात है इसको अपने परिवार की परंपरा बनाना चाहिए टाइम मैनेजमेंट को यही शिक्षा हमको इन चीज़ों से मिलती है और स्टूडेंट्स के लिए मिस्टर वर्मा ने कुछ लिखी है चिट्ठी वो मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ लिखते प्रिय विद्यार्थी मैं खुद लंबे समय तक एक विद्यार्थी रहा हूं इसलिए जानता हूं कि स्टूडेंट्स लाइफ की मौज मस्ती का कोई मुकाबला नहीं होता मैं समझता हूं कि यह उम्र का एक ऐसा दौर होता है जब हर कोई अपने दिन फुल मौज मस्ती में बिता देना चाहता और ये कहते हुए उसने लिखा कि तुमने मोटरसाइकिल पर इधर उधर घूमते हुए समय बिता दिया कभी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाया तो कभी अपने दोस्त को पीछे बिठाया कभी फिल्में कभी चैटिंग कभी एसएमएस, और वो दोस्तों की लंबी लंबी बातें करते हुए टाइम पास कर दिया तो ये लिखते लिखते मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं क्योंकि आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो मैं गुजर चुका हूं तुम ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाते हो काफी कप रीडिंग या टैरो कार्ड्स के में अपना भविष्य तलाश करते हो शायद तुम कर्म से किस्मत को अधिक बलशाली मानते हो लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा लिखते लिखते मुझे पता है कि इस उम्र में तरह तरह की जिज्ञासाएं घेर लेती हैं बड़ों और समझदारों की बातें अच्छी नहीं लगती अच्छा वही लगता है जो तुम्हारी उम्र के दूसरे लड़के लड़कियां कर रहे होते हैं तो मैं सही वही लगता है जो किसी फिल्म के हीरो हीरोइन कर रहे होते हैं खैर आखिर में लिखता है मुझसे यह मत कहना कि जवानी की अपनी खुद मजबूरियां होती ये फिल्मी डायलॉग है मैं तुम्हें बता दूं कि किसी उम्र की कोई मजबूरी नहीं होती मजबूरियां खुद हम तैयार करते हैं अपने हाथ खुद कटवाते हैं मैं ज्यादा नहीं कहूंगा यह जरूर बताऊंगा कि हर इंसान की उम्र में बचपन जवानी बुढ़ापा आता है तुम सदा बार नहीं हो कभी बूढ़े नहीं होगे ऐसा नहीं है तुम मेनका या उर्वशी की तरह सदा जवान भी नहीं रहोगे तुम कोई अमृत का अमृत पीकर पैदा नहीं हुए खुद को संभालो यार जिंदगी की सच्चाइयों से भागने की कोशिश मत करो बस करो यार अब बस भी करो थोड़ा मेरी बात भी मान लो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा हकीकत के आईने में एक बार फिर अपनी शक्ल देख लो था। था। तो ये उसने लिखा और वो फिर बाद में स्टूडेंट कहता है कि सर आप तो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ये ज्ञान कहां से देने लगे तो उसपे मुझे एक हमारे साथ काम करते थे मिस्टर घोष एस एल पैकेजिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको मैंने जब टेलीविजन जी टी शुरू किया उसमें सी नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये इंडस्ट्री थी ही नहीं भारतवर्ष में कोई उसको जानने वाले दूरदर्शन के अलावा लोग नहीं थे एंटरटेनमेंट के लोग नहीं थे और जो थे थोड़े बहुत गिने चुने चार पांच प्रोड्यूसर होते थे तो वो पैसे ज्यादा मांगते थे वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो हमने घोष साहब को पैकेजिंग कंपनी से लाके इसका एमडी बना दिया और जो लोग हमारे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के थे उन लोगों की आदत थी के करते इतना थे उसका बखान इतना करते थे मार्केटिंग के लोग थे एड सेल्स के लोग थे अब घोष साहब जो थे वो सुबह जब आते थे ऑफिस में पहले दिन का काम किया हुआ सारे का एनालाइज करके सब कुछ करके सुबह जब मीटिंग में बैठते थे तो उनको अपना चेहरा दिखाते थे। अब वो पांच छह लोग इकट्ठे होके मेरे पास एक रोज आए कि सर सारी दुनिया हमको कहती है कि वट वंडरफुल पीपल वी आर वट गुड वी आर हमने जी टीवी को बना दिया देखिए एक साल के अंदर और ये घोष साहब जो है वो रोज हमें कहते हैं आप कुछ नहीं जानते मैंने कहा तो आप ये बात घोष साहब को क्यों नहीं कहते भाई गो साहब को नहीं कह सकते क्योंकि वो सच्चाई बताता था उनका खुद का ऐसा जैसा चेहरा है वो दिखाता था तो इसलिए वो ऑथर लिखता है कि यदि हमको टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या है उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके और बेनिफिट्स क्या हैं, इन सबको यदि समझना होगा तो हमको अपने आप को रोज सुबह देखना होगा अपने आप को खुद को पहचानना होगा अपने मन में विचार करना होगा मनन करना होगा कि भाई क्या वाकई में हम टाइम मैनेजमेंट ठीक कर रहे थे या हमारा एक भ्रम था ये तो जब अगर ये सब करेंगे तो फिर हमको अगर समझ आएगा और जिस दिन समझ आ गया और जैसे कि मैंने कहा आपको बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं आपको दो ही बातें इसमें जो कि जिंदगी भर आपके काम आएंगे कि एक तो प्रेजेंट में रहिए ताकि आपका एक्शन बड़ा ठीक होगा समय से पहले काम कर सकेंगे और दूसरा यदि आपको फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो रोज़ शाम को अगर पाँच मिनट समय निकाल लेंगे सोने से पहले कि आज के 1440 मिनट कैसे गुजारे और कल के 1440 मिनट मुझे कैसे गुजारने हैं ये अगर एक हफ्ता ईमानदारी से कर लेंगे तो आपको इस टाइम मैनेजमेंट की कीमत क्या है वो समझ में आएगी उसके फायदे क्या हैं वो समझ में आएंगे सो माई क्वेश्चन टू यू इज दैट इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस द पीपल डू टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो टेन टू फॉरगेट वॉट दे हैव प्लान हैव मैनेज द टाइम व्हाट यू डू यू सजेस्ट टू स्ट्रेस हाउ मैनेज द टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली very good question uh, i would say that the stress what you are talking about will go only when you go to the source of the stress what gives you stress and block the stress there rather than at the workplace or the, at the place of action because there you don't have like luxury of getting stressed or anything go to the root ऑफ द स्ट्रेस जैसे एक एक उदाहरण से समझिए थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपको ध्यान में आए जब हम किसी से खुश होते हैं आपको अच्छा लगता है चाहे वो आपको प्रोफेसर ने आपकी बड़ाई की हो आपके दोस्त ने आपको अच्छा कहा हो आपके पापा ने आपके बैक पे पैट किया हो अच्छा लगता है और अच्छा लगता है तो आपको क्या होता है आप कहते हैं कि साहब मेरे को मेरे पापा ने शाबाशी दी वो बड़ा अच्छा लगा या एक दूसरी सिचुएशन समझिए आपको गुस्सा आया तो गुस्सा आया क्यों आया क्योंकि किसी ने आपको बुरा भला कह दिया गाली दे दी या कुछ ऐसी बात कह दी जो आपके मन की नहीं हुई मन के विरुद्ध बात कह दी गुस्सा आ गया तो आप कहते क्योंकि उसने ऐसा कहा इसलिए गुस्सा आ गया नहीं कारण वो नहीं है अगर एक्चुअल रूप में जाए ये साइंटिस्ट लोगों ने माना है जब आप अपने पांच तत्व हैं पांच टच पॉइंट्स हैं हमारे जो भी कुछ हमारे साथ होता है जन्म से लेके मरने तक इन पांच टच पॉइंट्स के माध्यम से होता जब आप कुछ सुनते हैं कान में एक बात आवाज आई तो वो कोई एक दूसरा मन का स, स, हिस्सा है जो उसको कहता है कि रिसीव किया उसने अदरवाइज ओन इट्स ओन कान के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो उसको समझे कि कुछ आया तो वो जब दूसरा हिस्सा जब उसको देखता है कि कुछ आया वो तीसरे को पास ऑन करता है वो एनालाइज करता है एनालाइज करके कहता है कि यार ये तो बुरा है नो नो आई डोंट वांट दिस दैट रिलीजिस सर्टन काइंड ऑफ जूसेज इन द बॉडी एंड सर्टन काइंड ऑफ सेंसेशन इन द बॉडी, एंड दो सेंसेशन आर आइदर लाइकेबल और डिसलाइकेबल दैट इज वॉट मेक्स यू फील आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट रियल कारण ऑफ यूर लाइकिंग और डिसलाइकिंग इज दो रिजल्ट ऑफ दैट बिकॉज दो सेंसेशन हैगेट द रूट कॉज ऑफ इट दैट्स वेग दैट जहां स्ट्रेस होता है उसका कारण समझिए उसको इलाज करिए जी सर um, एक्चुअली so ये जो क्वेश्चन है शायद इस टॉपिक से हट के है बट आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी सर यूजुअली हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं सब लोग कहते हैं अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो एक अच्छा जॉब अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा बट जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त आई मीन बद्दी एक्चुअली और वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता बट उनका नॉलेज बैकग्राउंड शायद हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इस रीजन की वजह से वो सोचते हैं कि हम शायद कुछ सर्वाइव ही नहीं करते मार्केट के अंदर बिकॉज हमें इंग्लिश नहीं आती आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना इतना जरूरी है कि जिन्हें नहीं आती वो एकदम साइड हो जाए नहीं बिल्कुल भी मैं नहीं मानता इस बात को मैं उस बात को बल्कि ये कहूंगा कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो कोई ऐसी बात नहीं है अगर आप ब्रिटिशर हो के आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मैं कहता कि आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती मैं अपना उदाहरण देता हूँ जैसे कि मैंने कहा 83 में जब मैं बम्बई गया मुझे भी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी बिजनेस करता था उस तब उस समय तक मेरे ऑलरेडी यानी देखिए 67 सेवन एंड एटी यानी ऑलमोस्ट 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे काम करने का अंग्रेजी नहीं आती थी पढ़ा लिखा नहीं था तो वहां पे तो सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे बिजनेस की लैंग्वेज भाषा ही अंग्रेज़ी है लेकिन मैंने जब भी किसी से बात की वो अंग्रेजी में बात करते मैं भी करता था टूटी फूटी अंग्रेज़ी में गलत बोलता था मेरे साथ कोई होते थे वो शाम को आगे मुझे कहते थे कि आपने ये गलत कहा ये गलत कहा पर मैं घबराया नहीं कभी भी क्यों नहीं घबराया क्योंकि मुझे मेरे मन में एक आ गया कि अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है इसको जानना मेरे लिए आवश्यक नहीं है गलत है तो गलत है तो धीरे 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 अंग्रेजी भी आने लगी लेकिन आज मैं जो आपको बात कर रहा हूं जो बल्कि भले ही इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लोग अगर सुन रहे हैं इस बात को वो भी सुने और जहां जाएगी उन लोगों को बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगी मेरी बात फिर भी मैं कहूंगा आज के दिन हम कुछ भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं आजकल आप लोग गूगल करते हैं और गूगल पे जो बात लिखी होती है वो सच मान लेते हैं लेकिन उसमें से 40 परसेंट बातें गलत होती वो सच बन गया क्यों भाई क्योंकि उसी को हमने सच मान लिया अंग्रेजी भाषा से या वेस्ट से मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन साथ में मैं कहता हूं कि अपने नॉलेज बेस को अपनी चीज को और केवल वो इम्पोर्टेड है वो लोग कह रहे हैं इसलिए सही है ये बात मत मानिए आप निश्चित हो करिए मैं जिंदगी में कभी आपको कहीं नीचा देखना नहीं पड़ेगा जो लोग कहते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं आती ठीक है मुझे नहीं करना आपके पास काम यू रिजेक्ट देम रा दे रिजेक्ट यू मेरा क्वेश्चन ये है जैसे न्यू ईयर आता है हम सभी रेजोल्यूशन बनाते हैं आजकल ट्रेंड है सब सोचते हैं मैं ये करूंगा न्यू ईयर है एक न्यू स्टार्ट है लेट्स गिव अ न्यू बिगनिंग तो हम लोग सब अपना टाइम मैनेज करते हैं सोचते हैं अब ये नया साल है हम ये करेंगे तो जैसे जैसे टाइम बीतता है एक महीना दो महीना तीन महीना हम फोकस रहते हैं हम करते हैं पर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं फिर फिर वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते उसी जोश से जो हम पहले दिन करते हैं तो सर उसके लिए क्या <laughs> क्या कर सकते हैं सर <laughs> सवाल क्या आपका सर जैसे हम लोग जो चीज फर्स्ट डे सोच के करते हैं वो नहीं कर, हैं, नहीं कर पाते मैं समझ गया कर पाते धीरे 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 उसका जोश खत्म हो जाता हाँ है जो जोश आपको पहले दिन बॉयफ्रेंड से मिलने से हुआ तीसरे महीने में नहीं रहा <laughs> <laughs> इसका मतलब क्या

मैं जल्दी सुबह उठूंगी या इतना टाइम मैं अपने पढ़ाई को दूंगी या मैं मेरे को ये पसंद है तो मैं ये करूंगी ये पक्का मैं करूंगी यू you नो know, हम लोग सोचे अगर वो तो आपकी विश लिस्ट है ना डू थिंग really really kind of एक तो विश लिस्ट है आपने अपना कि मैंने ये ये मुझे करना अच्छा लगता है लेकिन कई ऊपर वाले लेवल पर आपने ऊपर ऊपर से कह दिया या मैं करूंगी लेकिन अंदर तक वो बात नहीं गई आपके इसलिए मैंने वो गलत उदाहरण दिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का द मोमेंट यू लव somebody, दैट विल स्टे विद यू अब इसको एक, एक, एक उदाहरण से समझिए आप अगर मैं आपसे सवाल पूछूं डू यू नो फाइव नोबल प्राइज विनर्स डू यू नो फाइव नेम्स दोज बिन गिवन पद्मश्री अवार्ड आज मैं साथ में अगर आपसे पूछूं कि मुझे तीन नाम ऐसे बताइए जिन्होंने आपके साथ जिंदगी में गलत किया हो तुरंत आपको याद आ जाएगा आप आप अगर आपसे पूछा जाए कि विच आर द्री पीपल यू लाइक द मोस्ट इन लाइफ यू विल इमीजिएटली रेटल द नेम्स बिकॉज यहां पे इसमें आपका जवाब छुपा हुआ है Okay, जो जो जिस किसी को पद्मश्री मिला नोबल प्राइज मिला या कुछ किसी ने अच्छा किया वो आपकी जिंदगी से सरोकार नहीं है उनका इसलिए उसको मिला आपने टीवी पे देख लिया भूल गए वो अवार्ड लेके चला गया लेकिन जो ये बाकी लोग जो थे जिन्होंने आप जिनको यू लव द मोस्ट और यू हेट द मोस्ट दे आर कनेक्टेड विद योर ओन लाइफ विद योर लाइफ यू विल ऑलवेज रिमेंबर दम तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तभी पक्का रेजोल्यूशन होगा यदि आप उनको मन से लेते हैं तो एक अपने आप को प्रण लेते हैं कि नहीं मैं ये करूंगी पक्का और आपका अपने आप से पूछिए डू आई एम आई रेडी फॉर इट वंस आंसर कम्स यस यू विल डू इट सो इसके साथ ही ये कार्यक्रम आप यहां समाप्त करते हैं आपको भी एक ऐसा कार्यक्रम लगा आप भी हमें लिख भेजिए और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो भी लिख के भेजिए मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट और इसको आप अपने परिवार को दीजिए अपने परिवार की एक परंपरा बनाइए चाहे आपका परिवार ज्वाइंट फैमिली में हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली में हो यदि आप इसको अपने परिवार को एज ए गिफ्ट भी देंगे तो भी ये पूरी जिंदगी उनके काम आएगा सब सुखी होंगे सबका मंगल हो सबके भला हो थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। अगर आप ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें हमारा ईमेल आईडी है डी एस सी एट द रेट जी मीडिया डॉट एस एल ग्रुप डॉट कॉम या आप अपने सवाल हमें एस भी कर सकते हैं बस टाइप कीजिए डी स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव आरोप